पिछले कुछ दिनों से प्याज चर्चा में है। केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर बैन लगा दिया है, जिसका प्याज किसान विरोध कर रहे हैं। प्याज निर्यात का मुद्दा संसद के बजट सत्र में भी उठा है। महाराष्ट्र से एनसीपी के सांसद डॉक्टर अमोल कोहले ने प्याज निर्यात पर पाबंदी को लेकर सरकार को घेरा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात की और विकसित भारत के जो चार स्तंभ है उन्होंने किसानों का जिक्र भी किया, लेकिन वास्तविकता यह है अध्यक्ष महोदय, पिछले 35-40 दिनों से अनियन के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लग चुकी है और अनियन एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगने की वजह से, प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगने की वजह से मेरे महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों का 2,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। और इस पाबंदी की वजह से भला हो रहा है पाकिस्तान के किसानों का, क्योंकि मिडल ईस्ट का मार्केट हो, यूरोप का मार्केट हो, यह पूरा पाकिस्तान अनियन ग्रोअर फार्मर्स के हाथ में चला गया है और पाकिस्तान के किसानों को उनके प्याज का दाम मिल रहा है, लेकिन मेरे किसान को अपना प्याज 8 से 10 रुपए किलो के दाम में बेचना पड़ रहा है। हमने सरकार से सुना था कि पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे, ये तो इस निर्णय की वजह से पाकिस्तान के किसानों को भला हो रहा है, कमर मेरे किसानों की टूट रही है। यहां पे महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसानों की आय दुगनी होने की बात की। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि 2013 में डीएपी की एक बैग थी, उसकी कीमत थी 560 रुपए। 2024 में डीएपी की बैग की कीमत है 1100 रुपए। जो लागत की मजदूरी थी प्याज के लिए उसकी कीमत थी 5000 रुपए, आज लागत की मजदूरी जाती है 11000 रुपए। आज 2013 में प्याज बिक रहा था 20 रुपए किलो में, आज प्याज बिक रहा है 8 से 10 रुपए किलो में। 2013 में सोयाबीन बिक रहा था 6000 रुपए क्विंटल के दरों में, आज सोयाबीन बिक रहा है 4500 रुपए क्विंटल के दरों में। तो किसान की आय दुगनी हुई या दो गुने से ज्यादा घट गई है? जब हम विकसित भारत का एक स्तंभ किसानों को मानते हैं, तो यह मैं कहना चाहूंगा कि जब विकसित भारत की यात्रा होती है, दिल्ली में ठंड बहुत है, किसी को बताना नहीं पड़ता, ठंड बहुत है, हम महसूस करते हैं ठंड बहुत है, तो जब विकसित भारत है तो ये बताना क्यों पड़ता है? मेरा किसान ये महसूस क्यों नहीं कर पाता कि ये विकसित भारत है, मेरी आय दुगनी हुई है? और ये मेरी दरख्वास्त है कि किसानों के बारे में गंभीरतापूर्वक ये विचार किया जाए, क्योंकि अगर उगाने वाला उगाएगा नहीं तो खाने वाला खाएगा क्या।